આવો સાહેબ બોલો ભાઈ બોલો ये ओरियो ने बाइट किया है, ओरियो ने अमेरिकन बुली। जब ये बिगड़ जाते हैं तो बहुत खतरनाक हो जाते हैं। और चलता पूरा है लेकिन नेटवर्क आईसी सिम आईसी वगैरह वगैरह सारी चीजें डैमेज हो गई है। ना नेटवर्क पकड़ रहा है, ना सिम पकड़ रहा है, ना वाईफाई पकड़ रहा है, कुछ नहीं पकड़ रहा है। फोन चल जरूर रहा है पीछे निकाल, ये देखो पीछे पीछे पूरा पीछे कर रहा है। अच्छा हुआ कैमरे वाले दो ऑप्शन बच गए, नहीं तो वो टूट जाते तो पूरा सेटअप ही लाते हैं, नहीं तो पीछे का। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग भी सोच रहे होंगे इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा वीडियो ना डालने के लिए। पिछले 7 दिनों में यहाँ बहुत कुछ हो गया दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करूँगा, जो अब अभी आगे वीडियो देखा वो वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है डॉग ट्रेनर है तो उन्हें बाइक नहीं लगती या ऐसा कुछ। जो जिस काम में रहता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक होता है तो वो जब इलेक्ट्रॉनिक का काम करता है तो उसे करंट भी लग सकता है, ड्राइवर होता है तो कभी कना कभी लाइफ में उससे हाथ हुए गाड़ी भी ठुक सकती है, या कमटे का काम कर रहा है तो वहाँ भी हादसा हो सकता है, हादसा किसी के भी साथ हो सकता है। हुआ क्या मैं आपको शुरू से एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे पास एक अमेरिकन बुली पिटबुल, हाँ पिटबुल प्रजाति का एक डॉग था जो कि काफ़ी टाइम से मेरे पास था। उसे बच्चों से बहुत चिढ़ थी, तो जिस ये हॉस्टल में हमने जब शिफ्ट किया 1 तारीख के बाद, ये 6 तारीख की बात है जब कुछ बच्चे इस पाली पर चढ़े हुए थे और उसे ओरियो को चिढ़ा रहे थे। फिर वहाँ चढ़ गए ओरियो को चिढ़ाने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद जब मैं आके उन्हें डांट के यहाँ से भगा रहा था तो वो बच्चे आके गेट के पास आ गए और गेट पर चढ़ने लगे वगैरह, तो मैं गेट के पास आया। जब मैं गेट पर आके उसे समझाने की कोशिश कर ही रहा था तभी ओरियो का दिमाग आउट हो गया। ये जो पिटबुल प्रजाति है वैसे तो बहुत ही लॉयल है, बहुत मानती भी है बात, लेकिन कभी कभार इनके ऊपर का फ्यूज़ उड़ जाता है, उससे उन्हें कुछ पता नहीं रहता ओनर कौन है क्या कौन है। उन्हें सिर्फ एक सनक लगी हुई रहती है, बस किसी को पकड़ूं फाड़ूं काटूं मारूं इस टाइप से। और आपने बहुत बार सुना है पिटबुल से तो कितनी ही जाने गई है। और ये कैसे होता है क्या होता है मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, इसलिए आप लोगों के शेयर कर रहा हूँ कि कुछ बातें आपको जो हैवी ब्रीड है पिटबुल टाइप की या जो बड़ी ब्रीड्स है जो खतरनाक ब्रीड्स में आती है उनको बचपन में बहुत सी चीज़ें आपको सिखा देनी चाहिए दोस्तों, नहीं तो वो आगे जाके आपके लिए आपकी फैमिली के लिए या किसी और के लिए भी खतरनाक हो सकते हैं। पिटबुल जो होते हैं वो इतने आक्रामक बन जाते हैं दोस्तों लड़ने के लिए कि उन्हें कुछ भी नहीं दिखता, और ज़्यादातर वो लोग या तो यहाँ से पकड़ के बैठ जाते हैं या किसी भी शरीर के किसी भी अंग को पकड़ेंगे तो वहाँ से पकड़ के बैठ जाएंगे। जब तक उसे नोचते रहेंगे तब तक या तो वो चीज़ ही बाहर ना निकाल लें या वो पूरी तरह से हार ना मान जाए, मर ना जाए। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ जिसकी क्लिपिंग मैं CCTV के थ्रू आपके ऐड कर रहा हूँ। उसने मुझ पर कैसे हमला किया, मैंने उसे कैसे ड्रैग किया, उस ड्रैग में मेरे को सिर्फ हाथ पर चोटें आई हैं और एक दूसरे वाले हाथ पर भी चोट आई है, लेकिन ये मैं था दोस्तों, इसलिए मैं आज अपने मुंह से आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ। नहीं तो आप लोग दूसरों की तरह सुनते कि आज पिटबुल ने एक हमला कर दिया जिसमें ट्रेनर चला गया या फिर पिटबुल की वजह से ये मर गया वो मर गया, यह सब कुछ होता है। बड़े डॉग्स पालते समय ध्यान रखें दोस्तों, अगर आपके पास समय नहीं है और अगर आप छोटी बचपन उम्र में उसे सोशलाइज नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज़ उसे मत रखो। कोई बड़ी ब्रीड पालने की ज़रूरत नहीं रहती है, डेंजर ब्रीड पालने से पहले 50 बार सोचिए दोस्तों, क्योंकि हर कोई उसे हैंडल भी नहीं कर सकता। हुआ क्या वो मैं वीडियो CCTV वीडियो में दिखाता रहूँगा और आगे एक्सप्लेन करता रहूँगा किस टाइप से मैंने उसे ड्रैग किया और मैंने कैसे अपने आप को बचाया। फिर उस डॉग को मैंने टाई किया और फिर ओनर को बुलाया, ओनर को सारी बात बताई तो ओनर ने कहा जब आपसे नहीं संभल रहा सर तो हमारी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं बनेगी इसे संभालने की। और ये डॉग पहले भी 4-5 डॉग पर हमला कर चुका है, 2-3 इंसानों पर कर चुका है, ये फाइनली मेरे को हमला किया जब मुझे पता चला कि भाई मेरे अलावा इसे कोई नहीं संभाल सकता। और ये हमला मेरे पर हुआ, अगर ये स्टाफ पर होता तो शायद हो सकता है स्टाफ भी ना बचता या रहता ही नहीं। हुआ क्या चलो देखते हैं। हम सभी को पता है अमेरिकन बुली या पिटबुल बोलते हैं तो ट्रेनर्स के लिए ये आम बात है, कभी भी हमला हो सकता है, उसे हमेशा रेडी रहना चाहिए। अगर आज मैं अपना हाथ उसे नहीं देता तो शायद मेरी गर्दन पकड़ लेता वो। बहुत ज़्यादा घाव किया सर, यहाँ खून कितने इस पर कम लगा, इस पर बहुत ज़्यादा लगा, मुझे चक्कर आ रहा है, मैं बैठ जाता हूँ। बैठ जाओ।
ये वो सीसीटीवी कैमरे की क्लिप है जिसमें मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली हुआ क्या। ये देखिए दीवार के ऊपर बच्चे बैठे हैं, मैं इनको मना कर रहा हूँ, यहाँ मत रखो या मत रुको, ये खा जाएगा कर देगा। ये बहुत टाइम से ये बड़ी वाली दीवार पर पाँव वाँव लटका रहे थे, बच्चे पत्थर भी मार रहे थे, ओरियो ओरियो चिल्ला रहे थे। तो यहाँ एक बच्चे गेट पर आ गए और गेट पर चढ़ने लगे, तब मैं गेट पर मना करने गया, तब ये मुझ पर हमला हुआ, ये ओरियो आया और ये जंप किया। उस कैमरा एंगल में कुछ नहीं आ रहा था इसलिए इसमें दिखा रहा हूँ, वो भी स्लो मोशन में। हुआ क्या, जब वो बच्चों को मैंने हटाया तब ओरियो आया और उसने मेरे गले पर जंप करने की कोशिश की, ये बाइट करने की कोशिश कर रहा था, मुझे पता नहीं चला, मैं पीछे हटा क्योंकि उसका वजन बहुत ज़्यादा है, 45 से 50 किलो का डॉग था। नो, उसके बाद ये फिर मुझ पर जंप किया, फिर पकड़ने की कोशिश करने लगा मुझे। ये दूसरा हमला इसका होने वाला है दोस्तों, ये दूसरा हमला। ये मैंने अपने आप को ड्रैग किया, धक्का मारा मैंने उसको क्योंकि ये मेरा गर्दन पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अब ये पागल टाइप हो चुका है। अब ये तीसरा हमला किया इसने मुझे, ये मैंने फिर इसे ड्रैग किया, ये स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये फिर गिरा। ये जब गिरा तब इसे ऐसा हो गया कि अब तो मैं इसे छोड़ूंगा ही नहीं क्योंकि पिटबुल तो पकड़ने में माहिर होते हैं। ये फिर मुझे खाने की कोशिश कर रहा है, खुशी उसे रोकने की कोशिश कर रही है लेकिन वो रुक नहीं रहा, और फिर इसने जंप किया, ये फिर इसने मेरा अंगूठा पकड़ लिया। अब यह जब मेरा अंगूठा पकड़ लिया तो मुझे पता चल गया अब ये बहुत ज़्यादा आक्रामक हो गया, अब ये खाना ही चाहता है। अगर मैं इसे अभी पकड़ नहीं पाऊँगा तो ये मुझे भी मार ही देगा। तो मैंने फटाफट अपने आप को इसके ऊपर डाला और इस समय मेरा एक अंगूठा उसके मुंह में है और वो पूरी तरह से झंझोड़ने की कोशिश कर रहा है। फिर मैंने इसके ऊपर आके उसे पकड़ने की कोशिश की, अभी भी ये मुझे काटने की कोशिश करते जा रहा है और आप देखो ये और मुझे बाइट कर रहा है। ये देखो ये बाइट करने की कोशिश कर रहा है, मैं अपने हाथों को बचा रहा हूँ, अभी मेरी टांग पर जा रहा है, मैं टांग बचाने वाला हूँ। ये देखो ये मेरी टांग पकड़ने वाला था, मैंने अपनी टांग को पीछे किया, फिर मैं इसको फिर से पकड़ रहा हूँ लेकिन इसकी ताकत इतनी थी दोस्तों कि हर किसी की बस में नहीं है। ये समझो कि मैं शेर से लड़ रहा था, ये डॉग काफ़ी टाइम से मेरे पास था तो भी इसकी जो हमला करने की स्पीड और इसने हमला किया ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि 1.5 साल से मेरे पास था। अब ये फिर से मैंने अभी तक मैं इसके पकड़ में नहीं आया हूँ तो ये मेरा पाँव पकड़ने की कोशिश करने वाला है और ये जैसे ही मेरा पाँव पकड़ने की कोशिश करेगा मैं अपने पाँव को दूर करूँगा, आप देखेंगे वीडियो में। ये देखो ये मैंने अपना पाँव पीछे खिसकाया, ये मेरा पाँव को पकड़ने वाला था, ये मैंने पाँव पीछे किया, पीछे करके मैं इसके ऊपर वजन डाला और फिर से मैं इसे खड़ा किया। इतने में स्टाफ मुझे देख रहा था लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि आके छुड़ाने की कोशिश करे। यहाँ ये मेरा ये देखो ये देखो ये मुंह देखो इसका, ये इसने मेरे बाइट करने की कोशिश कर रहा है और मैं इससे लड़ रहा हूँ, अभी भी मैं इससे लड़ रहा हूँ। फिर फाइनली मुझे पता चल गया कि अब इसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरी टांग पकड़ लेगा, गर्दन पकड़ लेगा या कोई ऐसा हिस्सा पकड़ लेगा जिससे मैं बच नहीं पाऊंगा। इसलिए मैंने अपना हाथ उसे मुँह में दूंगा, देखना ये देखो ये मैंने अपना हाथ उसके मुँह में दे दिया। अब क्या हुआ, अब आगे वाले कैमरे में रिकॉर्ड हुआ ये सब, यहाँ से झलल मतलब बहुत फाइट कर रहा हूँ मैं इसके साथ, आप समझो ये हर किसी की बस की नहीं है। अब आगे का वीडियो उसमें दिखाता हूँ। इस समय मुझे सब बाइट का फोर्स, इसके दांतों की बनावट, इसके जबड़े की मजबूती वगैरह सब पता चल रहा था लेकिन मैं चिल्ला नहीं सकता था। अगर मैं चिल्लाता ये और ज़्यादा आक्रामक हो जाता और इसे पता चलता मैं डरता जा रहा हूँ तो ये मुझे और ज़्यादा मारता। अब ये पूरा सीसीटीवी कैमरे में पता चला, यहाँ भी मैं इसे कंट्रोल कर रहा हूँ, ये मेरा हाथ पकड़ चुका है। अब मैं इसे शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने अपने स्टाफ को बुलाया, मैंने कहा इसके मुंह पर ठोक जो इसे पता चले वापस आए ये, क्योंकि ये गजनी बन गया है, ये भूल चुका है, ये अपरिचित बन गया, इसके आगे बाल आ गए और ये भूल गया है कौन सही क्या गलत क्या नहीं, ये सिर्फ मारने के लिए तैयार था। अब ये जैसे मैंने इसको बोला ऐसे मत मार, तू जाके इसको पहले पेड़ से बांधने के लिए रस्सी लेके आ, ये रस्सी लेने जाने गया जब तक इसका पीछे का गेट खुल गया और वहाँ से डॉग्स बाहर आने लगे। मैंने कहा पहले तू डॉग्स को बांध कर, अगर ये डॉग्स को देख लेगा तो डॉग्स को ही मार देगा। ये देखो आपने डॉग्स बाहर आ गया, तो फिर ये स्टाफ जाके डॉग को बंद करने लगा पहले, फिर दूसरा स्टाफ गेट से अंदर आया और इन लोगों ने मुझे चैन वगैरह लाके दी, मैंने इसे बांधा। और जब तक मैं इसे बांधा नहीं मेरे हाथ से खून बहता जा रहा था तो भी मैं इसे पकड़ा रखा और जब तक ये शांत नहीं हुआ तब तक मैं यहाँ से हिला नहीं, क्योंकि मैं इसे अगर छोड़ देता तो हो सकता है आकाश को भी मार दे क्योंकि अभी अभी उसने डंडे मारे हैं, दूसरा हो सकता है ये फिर से मुझ पर हमला करे, तो हो सकता है कुछ भी हो सकता था। इसकी बाइट फोर्स इतनी तगड़ी थी दोस्तों कि मुझे ये तक फील हो रहा था कि मेरा मांस दब रहा है इसके दांत से मेरी और है ना। मैंने क्या किया, होशियारी दिखाई, जब ये ना मेरा हाथ पकड़ के लेफ्ट साइड से राइट साइड में ऐसे झंझोड़ रहा था तो मैंने अपने लेफ्ट हाइट को राइट हाइट में कर दिया, फिर इसने राइट से लेफ्ट किया तो मैंने उसके साथ साथ फ्लो के साथ बहाता गया, तो उससे मेरे हाथ में ज़्यादा कट्स नहीं लगे, दांत जरूर लगे लेकिन कट नहीं लगे। अक्सर डॉग फाइट्स करते हैं तब ये झंझोड़ने लग जाते हैं, झंझोड़ने में बहुत ज़्यादा बाइट्स वगैरह लग जाती है। आप फिर से वीडियो देखिए नॉर्मल में कितनी स्पीड से मैं इससे लड़ा था, बहुत स्पीड थी, मैंने तो स्लो मोशन में करके दिखाया आपको, बहुत ही डेंजर था। मेरी जगह कोई दूसरा होता तो वो जान से चला जाता। हमने इस ओरियो को वापस भेज दिया है और उन्होंने पंजाब भेज।
तो दोस्तों देखा, अच्छा अगर काम करते हैं तो ऊपर वाला भी साथ देता है, और आप सबकी दुआएं थी तो मैं ज़िंदा बच गया, और कुछ बाइट्स लगी और थोड़ा बहुत सूजन वगैरह हुआ, लेकिन अब ठीक है। और अब एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप ऐसी बड़ी ब्रीड्स पालते हैं तो इसे सोशलाइज़ कराएं, नहीं तो प्लीज़ मत पालें। मैं तो यही कहता हूँ, ये बैन जो हुआ है एकदम ठीक ही हुआ है, सबकी बस की नहीं है दोस्तों बड़े ब्रीड्स पालना, बड़े ब्रीड्स को ट्रेन करना। और अगर छोटी उम्र में आपने ट्रेन नहीं किया तो बड़ी उम्र में हर किसी के तो बस में रहेगा ही नहीं। और जिस दिन इसने हमला किया उस दिन यकीन माने दोस्तों इतना नुकसान होगा कि हमें अपने आप को ज़िंदगी भर पछताते रहेंगे कि हमें ऐसा नहीं करना था, हमें वो डॉग नहीं लाना था, ये वो। चाहे वो कितना भी अच्छा हो, कितना भी प्यारा हो, कितना भी अपना बेटा हो, लेकिन दोस्तों जब उसका हमला होगा, जब उसका दिमाग फिर जाएगा तो उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। हाँ, ये 2-3-5-10 मिनट बाद में उसे याद आ जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा, और वो माफ़ी मांगने की तरह से नीचे भी लेटेगा। जब मैं आपको वो वीडियो डालता हूँ जब बाइट करके मैंने इसको पेड़ पर बांध दिया था, तब इस पर कैसा हो गया था, और ये फिर सिलेंडर भी हो चुका था। मैंने इसे कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन अगली बार कब कंट्रोल हो ना हो, और ये मैं था जब हो गया, दूसरों पर करे या ना करे, इसलिए मुझे उसे पंजाब भेजना ही पड़ा। पंजाब में इसे उसी ओनर के पास भेज दिया जहाँ से इन्होंने परचेस किया था, ओनर ने मतलब जहाँ से परचेस किया था वहीं वापस भेज दिया हैंडल ना होने के कारण। इतने बड़े डॉग्स को आप मत रखिए। ये जो अमेरिकन बुली था वो इतनी बड़ी साइज का था, डबल एक्सल ब्रीड का था, जो कि पूरे राजस्थान में नहीं था। इसका हेड इतना भारी था क्योंकि जो पिटबुल के ब्रीडर्स वगैरह होते हैं वो काफ़ी जने मेरे को आके इसका सीमन मांगते थे, क्योंकि ये मेटिंग भी नहीं करता था, ये फीमेल्स को भी काट लेता था, जो मेटिंग कराने आते थे उनको भी काट लेता था, तो उनका सीमन चाहिए। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा, इतने बड़े डॉग्स के लिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, और ये बड़े डॉग्स को आप मत पाले यार। आप लोग समझ नहीं रहे हैं, पर मैं आपके भलाई के लिए कह रहा हूँ, पूरे दुनिया की भलाई के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो बड़ी ब्रीड्स है इनसे बहुत हमले हुए और बहुत लोग मर चुके हैं दोस्तों यार। शौक अपनी जगह है, पावर अपनी जगह है, लेकिन खुद में भी तो पावर होना चाहिए ना। अगर अपने में पावर नहीं रहा तो फिर कैसा होगा? और अपन में अगर पावर भी है तो क्या अपन हर रोज़ घर रहते हैं, अपने बच्चे फैमिली को सबको इसके भरोसे छोड़ के जा रहे हैं, और पीछे ऐसा हुआ तो ना। तो दोस्तों बड़ी ब्रीड्स ना पाले, और पाले तो प्लीज़ किसी एक्सपर्ट से बिल्कुल राय लें, हर छोटी छोटी उम्र में उसको सोशलाइज करें। आपका डॉग 7 से 8 महीने या साल भर के अंदर पूरी तरह से सोशलाइज हो जाना चाहिए, उसे किसी चीज़ से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसे इतना मिलाओ लोगों से कि उसके लिए नॉर्मल हो जाए सब कुछ, फिर उसकी पावर आप लोगों की यूज़ में आ सकती है। और ट्रेनिंग के बिना ऐसे डॉग्स मत पालो दोस्तों।